भाई जा रहा है। देखिए, पूरे जिले की अन्य मंडियां हम लोगों ने खोल दी थी, क्योंकि छावनी मंडी थोड़ा एक सेंसिटिव एरिया में है। यहाँ थाना रावजी बाजार क्षेत्र भी है, जूनी इंदौर क्षेत्र भी है, कुछ केसेस भी निकले थे वहाँ पर। तो हम लोग लगातार पिछले एक महीने से उस क्षेत्र को ठीक करने में लगे थे। काफ़ी हद तक उस क्षेत्र की स्थिति ठीक हुई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोज़गार चलता है। व्यापारी भी जुड़े हैं जगह से, हमालों की लेबर का मामला भी है, किसानों का भी इशू जुड़ा है। तो आज यहाँ पर मंडी के व्यापारियों से चर्चा करने आए थे। इन लोगों की चर्चा चल रही थी हम लोगों की, और आज चर्चा करने आए थे किस प्रकार से व्यापार किया जाए कि कम से कम लोगों के मूवमेंट में, कम से कम गाड़ियों में किसानों की खरीदी भी हो जाए। उसमें कई अच्छे निर्णय हुए हैं चर्चा करके। सौदा पत्रक में व्यापारी लोग जाकर के किसानों का माल खरीदेंगे। जो अंदर गोडाउंस हैं, 50-60 गोडाउंस हैं, जो एक्टिव गोडाउंस हैं, उन गोडाउंस में किस प्रकार से माल आएगा, यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई माल नहीं आएगा, कैंटर में आएगा, किसानों को यहाँ आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी, खुद होके लोग जाएंगे। और ये भी व्यापारियों ने बताया कि हर किसान के संपर्क में कई व्यापारी भी हैं, ताकि किसान को सही उचित मूल्य मिल सके उसकी उपज का, वो भी सुनिश्चित किया जाएगा उसको। उसके भी देखा गया कि जो किसान का माल है उसके मूल्य के अनुसार सही माल दाम मिले उसको, वो भी व्यापारी भाई हमारे सुनिश्चित करेंगे। तो ये आज संजय अग्रवाल जी थे, मनोज काला जी थे, मंगल जी थे, एक अग्रवाल जी, युवा टीम भी है यहाँ की बहुत अच्छी, जो बहुत पॉजिटिव अंदाज में पूरा ये कार्य कर रही है, देख रही है। तो बहुत सारे निर्णय हुए हैं, उसका एक आदेश हम लोग बना रहे हैं, पंचनामा भी मंडी सचिव बना लेंगे, और उस प्रकार के उस लाइन में हम लोग ऑर्डर इशू करके और यहाँ भी हम लोग काम शुरू कराएंगे। कम मात्रा में होगा पर कम से कम व्यापार रोटेशन में आ जाएगा पूरा। वो तो बिल्कुल बोला है कि देखिए, अल्टीमेटली जो नियम प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं, जो 60 मिनट की चर्चा हुई है सभी के साथ और सब सहमत हैं उसमें, उसका वॉलेशन कोई भी अगर करता है तो उसके लिए तो फिर वो न केवल अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो दूसरों के स्वास्थ्य भी, अपने परिवार के साथ, दूसरे यहाँ जो मंडी में आने लोग जो कार्य उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, तो उसको तो कार्रवाई करेंगे, उसको भी वो व्यापार नहीं कर पाएगा यहाँ पर। वो भी बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मंडी के लाइसेंस भी निरस्त करने का अधिकार अभी है हमको, हम ही कर देंगे। और जो किसी भी गोदाम में या दुकान में जो भी लेबर वर्क करेगी, भले लेबर कम लगेगी इसमें हम लोग एक व्यापारी को 10 पास इशू कर रहे हैं, जो लेबर काम करेगी उसका रिकॉर्ड ही पूरा रखना होगा इनको, तो वो सब प्रिकॉशंस भी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे व्यापारी हैं यहाँ के, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं सब, और जो बोलते हैं हम करते भी हैं, और हम लोग नियमित समझाइश भी देते रहेंगे ताकि इनको कहीं कोई कमी रह भी गई हो तो पूर्ति होती रहे। तो प्रशासन पूरा इनके अच्छे व्यापार, सुव्यवस्थित व्यापार को चलाने के लिए, भले कम मात्रा में हो पर व्यापार इनका रोलिंग में आना शुरू हो जाए, वो पूरा हम लोग अभी इनके चर्चा करके शुरुआत करा रहे हैं। एक दो दिन में धीमी गति से कार्य शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पिकअप करेगा। फिर किसानों को हम लोगों ने प्रायोरिटाइज करने का बोला है कि व्यापारियों का जो माल लेना है इनको बाहर से अड़तियों का, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसानों का माल सब आ जाए, जो भी किसानों के संपर्क में यहाँ के व्यापारी हैं उनका माल पहले ही प्राथमिकता में लिया जाए। किंतु यहाँ नीलामी नहीं होगी, यहाँ नीलामी नहीं होगी, ना ही किसानों का माल भी आएगा, जो भी माल आएगा वो लोग खुद जाकर सौदा पत्रक व्यापारी बाहर करेंगे। हुई है आपकी व्यापार प्रारंभ करने को लेकर? कलेक्टर महोदय से बहुत ही अच्छे एक परिवेश में चर्चा हुई है, और सौदा पत्रक के माध्यम से किसानों का माल व्यापारी गाँव से लाएगा और वो माल यहाँ आकर व्यापारियों के गोदाम में उतरेगा, और व्यापारियों का जो माल आता है उसकी भी साहब ने पूरी छूट दे दी है। करीब करीब साहब ने व्यापारियों की सभी बातों को गंभीरता सुना और उसका पूरा निर्णय दिया है। व्यापारियों का जो माल आएगा वो गोदाम में अनलोड होगा और जाएगा, इसकी व्यवस्था एक दो दिन में लग जाएगी, हम पूरा साहब को परिवहन बना के देंगे, उसके ऊपर अनुमति आ जाएगी और सभी व्यापारी अपना व्यापार सुचारू से कर पाएंगे। देखिए, व्यापारी नुकसान की तो कोई कल्पना नहीं है भाई साहब, आज जीवन बच गया व्यापारी का, वो बड़ी पूंजी है। नुकसान की तो अपन गणना कर नहीं सकते। आज तारीख में 100 व्यापारी लगभग इस मंडी में व्यापार करते हैं, और यूं संस्था के 750 मेंबर हैं। कुछ व्यापारी उद्योग नगर में सब जिन लोगों का व्यापार चल रहा है, बाकी अनाज मंडी एक पर्टिकुलर बंद है। आज 52 दिन हो गए हैं ये मंडी में किसी व्यापारी का व्यापार नहीं हुआ है। साहब से लगातार हम 20 दिन से प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने उसका उनने करा और हमारे व्यापारियों की पूरी बात को सुनकर सौदा पत्रक से और व्यापारी माल के आवाजों का उन्होंने पूरा इसको अनुमति दी।